या मैसी माप, हम मैसी माप ही करेंगे भाई, गो इजी नहीं जाने वाला, आज मूड खराब है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम जो गेम प्ले करने वाले हैं उसका नाम है 100 ईयर्स। ठीक है, हम लोग एज अ लड़का या लड़की अपना सेलेक्ट करेंगे जेंडर और हम उसको गुजारेंगे 100 साल। चूज योर बेबी, मैं यहाँ एक लड़की सेलेक्ट करती हूँ और ये बहुत ही क्यूट है। ओके, तो इसका नाम हम फिलहाल के लिए कीरा, तो नहीं नहीं हम लोग इसको गेमर्स गर्ल कर देते हैं, क्या कहते हो गाइस? चलो हम लोग इसको गेमर्स गर्ल, गर्ल क्यों नहीं लिखा जा रहा, लगता है इसको कम स्पेलिंग्स में लिखना पड़ेगा, तो फिर भी हम गेमर्स गर्ल पुटा सीधा लिख देंगे। तूने क्या मेरे को ये ना समझाएगी, गेमर्स गर्ल करके हमने ई हटा के गेमर्स गर्ल कर दिया। और चलो भाई, हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। हमारा फर्स्ट ये शुरू हो गया है, हम इसको प्ले करेंगे। और फर्स्ट स्टेज में क्या करना है अभी, तो जनाब ये एक बच्ची है जो कि जिसका नाम गेमर्स गर्ल है और ये कचरे के डिब्बे में है। भाई ये क्या बात हुई, पूछ ऐसे तो नहीं होता है। डिलीट भाई, हम पूछ डिलीट करेंगे, जाहिर सी बात है। और शायद हमें कोई देख ले जिसका दिल अच्छा और वो हमें ले जाए, हम पे तर्स खा ले, हमें कचरे के डिब्बे से उठा ले कोई भाई। और ये कोई अच्छा इंसान आया है और इसने जो है इस बच्ची को उठा लिया है और इसको अडोप्ट कर लिया है। अभी हम सेकेंड स्टेज पर पहुँच चुके हैं और ये बच्ची 2 साल की हो चुकी है। तो भाई ये 2 साल में अच्छा, अभी हम ये रेस लगाएंगे और हमें जीतना भाई, किसी भी तरह सब बच्चों से जीतना है ये। ठीक है भाई, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, बच के बच के बच के बच के, अभी बच के, जल्दी 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 जल्दी। छोटी होती बच्चे भी जो है ना बहुत जो है ना इंटेलिजेंट होते हैं, हम लोग इसको फटाफट से फिनिश लाइन तक लेके जाएंगे। ये बच के बच के बच के बच के बच के भाई, अबे बच जा। तो भाई उसके सामने खड़े हैं फादर, उसके बाबा सामने खड़े हैं और अभी हम लोगों ने फिनिश कर ली है लाइन और अब हम यहाँ से इसको विन कर चुके हैं और बच्ची बहुत खुश है। और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे और डायरेक्ट 5 ईयर आ गया भाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, वाह भाई वाह, सेकंड से बिल्कुल डायरेक्ट 5 ईयर आ गया, थर्ड फोर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। चलो खैर, ये बच्ची 5 साल की हो चुकी है और 5 साल में देखते हैं इसको क्या। अच्छा, इट्स लंच टाइम, तो अब इसको लंच करना है और ये जो है लंच करेगी। आई थिंक उधर ग्रुप बैठे हैं, पूरा बैठा हुआ और इधर एक लड़का बैठा हुआ है। तो ये क्या सीन है भाई, ये क्या हो रहा, बच्चे हो अभी अभी बच्चे हो भाई, इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी ना। लंच विद हिम और जॉइन द ग्रुप ऑफ कोर्स, मैं तो नहीं जाने वाली, निकल यहाँ से। बच्चों हैं, बच्चों वाला काम करो ना, ये क्या सीन है भाई। चलो भाई, इसको हमने करवा दिया ग्रुप ज्वाइन, अच्छे अच्छे बच्चे बनना ना, गंदे बच्चे नहीं बनना, बचपन से अच्छे बच्चे रहो। और जनाब ये 5 साल से अब हो गई है 6 ईयर्स की। अबे 6 कहाँ गया, 7 ईयर्स की हो गई है भाई, ये तो डायरेक्ट 7 ईयर्स की हो गई है, स्किप कर रही है, ये क्या कर रही है, जा पूछ क्या। खैर, अभी इसके जो फादर हैं वो इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं बास्केटबॉल की और इसको वो अभी बड़े गौर से देख रही है कि वो कैसे प्ले कर रहे हैं, उसको अच्छा लग रहा है और उसका दिल भी कर रहा है कि वो भी खेले, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अब ये इसको करके दिखाएंगे कि तुमने ऐसे इसको बास्केटबॉल को करना है और गोल। और चलो जी, अभी वो मेरे ख्याल से करेगी, उसका भी दिल कर रहा है, ये मैंने भी करना है, मैंने भी करना है, मैंने भी करना है शोधी। खैर, अभी ये जो ना करेगी तो रेड पे शायद करना है हमें फुल स्पीड में, रेड पे नहीं ये, अरे वाह भाई ग्रीन पे हमने किया और ये लो भाई जीत गए हम लोग। बच्ची तो बड़ी फास्ट है, बड़ी इंटेलिजेंट है। चलो खैर, अभी हम लोग 8 ईयर्स के हो गए हैं और आगे हम देखते हैं हमें अपनी लाइफ में क्या फैसले करने पड़ते हैं इस बच्ची के लिए, अच्छे अच्छे फैसले करने हैं, ख़राब फैसले नहीं करने भाई। अच्छा भाई, ये चैम्पियंस हो और आज अभी इधर भाई ये बास्केटबॉल के ग्राउंड में, और अभी इसको मेरे ख्याल से जीतना है, तो क्या करने वाले हैं ये, तो टेक द शॉट करती हैं यार, क्या सीन है, टेक द शॉट करती हैं इसकी ऐसी की। अब ये क्या यार, वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी यार, क्या किया गेमर गर्ल, क्या चीटिंग 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 करता है तू, ये किया। अब वो उससे ज़्यादा सोचिए, इसका बोला हमें वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, पास इट आउट करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से हमें। चलो हम फिर से ट्राई करते हैं और अब हम लोग करते हैं फिर से ट्राई और ये लो भाई, अब हम इसको पास इट आउट कर देते हैं, अपने ग्रुप की तरफ पास इट कर देते हैं भाई। ये लो अब तू जीत के दिखा, अब तू जीत के हाथ चड्डी वाली, ये ले अब हम लोगों ने इसमें डाला ये को ये। चलो भाई, ज़िंदगी में कभी गलत फैसले हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, पर अब हम जीत चुके हैं और सब इस बच्ची को उठा उठा के फेंक रहे हैं कि वाह भाई बड़ा अच्छा काम किया तूने। हम लोगों को क्या फैसले करने वाले हैं, हम लोग क्या फैसले करने पड़ेंगे,
और यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं अभी, ये लड़की हो चुकी है 9 ईयर्स की। तो भाई अभी 9 ईयर्स में देखते हैं कि इसको किस रास्ते पे लेके जाना है और ये कहाँ जा रही है। भाई ये कोई एशियन थीम टाइप का टेंपल लग रहा है अभी। ओके अभी ये मेरे ख्याल से किसी मंदिर वंदिर जा रही है टेंपल में। तो ये चली गई अंदर। भाई गुमशुम ना हो जाना, मैं पीछे नहीं आने वाली। भाई क्या करने लगी है भाई, हेलो, इसको क्यों छेड़ रही है? ओ वो चेक करो भाई, ये क्या, ओ ये क्या निकला है भाई, वाह ये क्या जादू है, फॉर्चून या एनलाइटमेंट? तो एनलाइटमेंट कर लेते हैं। अरे वाह भाई वाह, पावर्स आ गई है भाई, चमत्कार हो गया। चलो भाई ठीक हो गया, इसका मतलब हमने ये फैसला सही लिया था जो हमें दोबारा से नहीं करना पड़ा प्ले। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। योहू ओके, वो बहुत खुश है, हम उसको बड़े अच्छे अच्छे रास्ते पे लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम कुछ गलत सेलेक्ट करेंगे तो वो गलत साइड यहाँ पे, क्योंकि दो रास्ते आगे आते हैं तो वो हमें उधर ले जाएगा। तो ये 11 साल की हो चुकी है बच्ची अभी, और अभी जो है नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या क्या आगे फैसले करने हैं। भाई इसकी लाइफ के फैसले हमें करने पड़ेंगे। और ये क्लास रूम में है अपने, ओके, और ये कुछ लड़कियां हैं, लड़कियों का गैंग है जो एक लड़की को तंग कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो लाफ एट हर या हेल्प हर आउट? ऑफ कोर्स हेल्प हर आउट, ऐसे कैसे है कि हम किसी पे हंस दे, कोई किसी का जो ना मजाक बना रहा है। बैंड बजा देनी है मैंने इनकी, तो रुक तू जरा मैं आ रही हूँ। मेरे को जानता नहीं है ये, किसी का मजाक कुछ कह नहीं रही किसी को जो ना, सभी ये लो भाई आ गई, मैं उसको बचाने, निकलो यहाँ से, दांत तोड़ दूंगी मैं सबके। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, सब ऐसी है, दुनिया जालिम है बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन ही लेने का। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। चलो भाई मैंने ये भी अच्छा काम करवा दिया इस बच्ची से। और हम लोग अभी, ये लड़की हो चुकी है 12 ईयर की, ये, और अभी ये 12 ईयर की हो चुकी है और अभी अपने बेड पे सो रही है, और इसको जो है कोई ख्वाब आया है, स्टे होम गो टू स्कूल। मेरे ख्याल से इसकी तबीयत नहीं ठीक तो इसको स्टे होम ही करना चाहिए। और ये अपने बाबा के पास चली गई है, और ठीक है, सही है, ठीक हो गया। और अभी जो है हम लोग मेरे ख्याल से 13 ईयर्स के होने वाले हैं, 12 ईयर की हो जा, 13 ईयर्स की हो गई है भाई ये बच्ची खैर से। और अब हम देखेंगे 13 ईयर में क्या करना है। तो ये भाई यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड है, और यहाँ पे ये बास्केटबॉल खेल रही है, और सामने से ये आया कोई लड़का, और ये जो है इसका पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ठीक है, तो अभी वो क्या कहेगी, मैस हिम अप, गो इजी, मैस हिम अप, ऑफ कोर्स गर्ल, या मैस हिम अप, हम मैस हिम अप ही करेंगे भाई, गो इजी नहीं जाने वाला, आज मूड खराब है तो हम मैस करेंगे इसके, उसको बताएंगे कि वर्स गर्ल फॉर। तो गाइस ये लो भाई हमने इसका हरा दिया, ये बड़ा शोखा हरा था ना, बहुत तेज हो रहा है, तो चल चल देखा गर्ल्स पावर। तो भाई अभी हम लोग जीत चुके हैं 13 ईयर्स के बाद, हम लोग अभी 14 ईयर्स की हो गई है ये लड़की, और अभी ये जा रही है रोड पे, मेरे ख्याल से घर जा रही है। और ये जो है अभी रुक क्यों गई है, अच्छा इसको कैटो नज़र आ गई है, इसको कैट नज़र आई है, और ये इसको क्या करेगी, घर ले जाएगी या क्या, फीड और किक, ऑफ कोर्स फीड यार, लव कैट्स, कैट्स बहुत क्यूट होती हैं, बहुत प्यारी। ओपे ये क्या बन गया, वाह ये तो कोई अच्छी चीज़ बन गया, उसको कुछ खुश हो के उसने गोल्ड कॉइन दे दिया, वाह भाई वाह, देखो अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो अभी ये बंदी जो है 15 ईयर्स की हो गई है, और अभी जो है ये कोई लड़का है जो कि बस उतर के उसको कुछ कह रहा है, मैं क्या प्लीज़ प्लीज़ कर रहा है, उसके तल्ले मिनते कर रहा है। और अभी ये जो हैं क्या करने लगे हैं अभी, अच्छा चलो जी ये लोग स्टडी करने चले गए हैं, एक लाइब्रेरी है मेरे ख्याल से। और ये जो है ये क्या सीन है भाई, हेलो, ओ अभी बच्चे हाथ अड़ा हाथ अड़ा यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाथ धोगे या किस है, या हग है, मुझे अपने घर जाना है, हग ही सही है भाई, पीछे रह भाई, अजीब अजीब बात है भाई, ये क्या बच्चों वाले खेल है, कुछ समझ नहीं आ रहा इस गेम में, कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं कुछ नहीं कर रही भाई, यही सब करवा रही है, ये गेम ही सब करवा रही है, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं बंदा सेलेक्ट कर सकता नाम वाला। ओह गॉड प्लीज नो नो। चलो खैर अभी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चैटिंग स्टार्ट हो गई है भाई, ये चैटिंग ही कर रही है उस बंदे के साथ, और ये गेम इज वाना हैंग आउट, यस नो श्योर और नो, ओके श्योर, वेयर डू यू वाना गो,
मॉल और एम्यूजमेंट पार्क, तो हमारे पास डायमंड नहीं है तो मेरे ख्याल से तो मॉल कर लेते हैं। तो जनाब अभी मॉल में जाते हैं, तो देखो क्या करने लगे हैं। मॉल जाके अच्छे बच्चों की तरह जाना है, समझ आइए, नहीं तो थप्पड़ भरेंगे दो रख के खींच खींच के। तो ये फास्ट फूड खाने आ गए हैं भाई, और ये जो है इधर, वाह भाई वाह, ये क्या करने लगा है, ये सजाई इसने इतनी सारी डिशेज और उसमें भर दिया, इसको जादू कर रहा है भाई, जादू दिखा रहा है उसको, इतना सारा खाना मरना है क्या, इतना कौन खाएगा। चलो खाओ पीवाश करो मित्रों, और इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, टेक केयर।